निकल चुकी हैं आज बेटियां घर की चार दीवारों से, शोले बरसाती हैं वो अब उड़ते हुए विमानों से। खेल की दुनिया में महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। फेयर प्ले के जरिए जी न्यूज देश की उन महिला खिलाड़ियों को आज सलाम कर रहा है जो न सिर्फ शहरों से, गांवों कस्बों से निकलकर आज खेल जगत में पूरे देश को गौरवान्वित कर रही हैं। और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं किंग फिशर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इंदिरा IVF फर्टिलिटी एंड IF सेंटर और DNA। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने विदेशी जमीन पर बड़ी शान से तिरंगा लहराया है और देश की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराया है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अशोक वेंकट रमनी जी को। ये जी न्यूज़ फेयर प्ले का दूसरा साल है। आप जानते होंगे कि कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स निकले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके खेलो इंडिया तक। हमने सोचा कि एक फील्ड हम चुनते हैं स्पोर्ट्स, और हमारी कोशिश ये है कि हमारे मंच द्वारा और इस इवेंट के मंच द्वारा हम कुछ ऐसी कहानियाँ सामने लाएँ जहाँ पे उनकी उनके जुनून, उनके जज्बा, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके अचीवमेंट्स कुछ सामने आए, ताकि ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी बने। हमारी यही कोशिश रहेगी आगे भी कि हम इस इवेंट को और बड़ा करें और इस मंच को और बड़ा करें, और वील मेक श्योर दैट इट गोज़ ऑल अक्रॉस द कंट्री। आज की हमारी ये शाम समर्पित है उन महिला खिलाड़ियों को जिन्होंने खेल जगत में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और हमने इन्हें फेयर प्ले अचीवर्स का नाम दिया है। स्टार राइफल शूटर, और वो नाम जिसने हर बार शूटिंग की दुनिया में अपनी मजबूत दावेदारी के साथ भारत का नाम रोशन किया। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली अंजुम मुदगिल आज पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। आज हम अंजुम से जानना चाहेंगे कि जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है वो कितनी हेल्पफुल रहती है आर्ट ऑफ शूटिंग में। या पेंटिंग हेल्प्स मी टू मेडिटेट एंड दैट रियली कीप्स मी काम एंड फोकस्ड फॉर शूटिंग। तमाम मुश्किलों और अभाव के बाद जब कोई तप कर सामने आता है तो उसे कुंदन कहते हैं। इस बार एशिया खेलों के हैप्टाथॉन मुकाबले में स्वप्ना बर्मन के तौर पर भारत को तराशा हुआ कुंदन मिल गया। मैं बस, मेरे दिमाग में एक ही बात था कि मुझे कैसे भी करके मेडल लाना है, कैसे भी करके। उसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, क्योंकि 2014 में एशियन गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें 5th आई थी। तो तब से मैंने सोची कि फिर से आएगा एशियन गेम्स, तब जाके मैं पक्का कुछ ना कुछ करूँगी। तो आगे जाके जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। कोच की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है किसी भी खिलाड़ी का अगर बहुत शानदार प्रदर्शन हो रहा है। प्लीज़ सुभाष जी। जकार्ता कंपटीशन, यू नो, ऑलमोस्ट 99% वाज एक्सपेक्टिंग दैट शी कैन डू बिकॉज विद दिस इंजुरी, बट शी प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग एंड गेट द मेडल इन हर फेवर एट द एंड ऑफ द 800 मीटर रन। इट वाज अ ट्रेमेंडस सेटिस्फैक्शन टू माय एज अ कोच। और ऑब्वियसली इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल, आती रहती हैं जाती रहती हैं, बट इंजरी से जूझना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना लैक ऑफ फॉर्म और बैड फॉर्म से जूझना है, और वापस उसी रडार ऑफ परफॉर्मेंस में आना है। कैसी शख्सियत जिन्होंने 4 साल की उम्र में ही टेबल टेनिस रैकेट पकड़ा और उसके बाद से अब तक नहीं छोड़ा। पहले देश में महिलाओं के टेबल टेनिस को वैसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत में टेबल टेनिस का जो प्रोफाइल है उसी को बदल दिया। मनिका की माँ सुषमा बत्रा आज हमारे साथ मौजूद हैं। मनिका बत्रा तो आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उन्होंने हमें संदेश जरूर भेजा है, आइए सुनते हैं क्या। थैंक यू जी नेटवर्क फॉर दिस रिकॉग्निशन एंड फॉर दिस अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड। मैं नहीं हूँ वहाँ पे बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट्स, जो मेरे टूर्नामेंट्स हैं। सो माई मॉम इज देयर एंड शी विल रिसीव दिस अवार्ड। जिन्हें शूटिंग विरासत में मिली, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपनी उस विरासत को सहेजते हुए कामयाबी की नई इबारत लिखी। ट्रेसी सिंह ने ऑस्ट्रेलिया से पहले साल 2014 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान सिल्वर मेडल पर भी कब्जा किया। आपके हौसले और प्रतिभा को केंद्र सरकार ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा,
और ओलंपिक्स में पोडियम तक पहुंचने की जिद लिए आपने हर लक्ष्य को साकार किया। और शेरसी तो हमारे बीच उपस्थित नहीं है क्योंकि वो इस समय नेशनल शूटिंग ट्रायल्स में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन जयपुर से वो हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। और हमारे साथ यहाँ पर श्रेयसी की माँ पुतुल कुमारी जी भी उपस्थित हैं। श्रेयसी की जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे, फिर मैं श्रेयसी से बात करूंगी। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट टाइम वी वर हियर एट द सेम फंक्शन, मी श्रेयसी एंड मानव वर सिटिंग टुगेदर एंड शी सेज भैया मेरे को कब अवार्ड्स मिलेंगे, एंड विद इन अ ईयर शी स्केल्ड न्यू हाइट्स and just few months ago she was bestowed with the Arjun Award and now she's being honored here. Shreyasi, jab aap Fair Play ke season 1 mein aayi thi, Rajan Sodhi hi aapke saath the aur ab unhi ke haathon ye samman mil raha hai. I'm glad that I'm receiving this award today and by no one else but my mentor, my very favorite senior, world number 1 Ranjan bhaiya. I'm grateful to my mother for helping me in this journey. And for me, I mean, I've come this long only because of her support and love. और आज बहुत सारी स्पोर्ट्स आइकॉन्स और पर्सनालिटीज यहाँ दिखाई दे रही हैं सभागार में, और मैं अपने सहयोगी ऋषभ से कहूँगी कि वो ज़रूर अब सवाल जवाब के सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाएं। हर खिलाड़ी की अपनी सक्सेस स्टोरी होती है, लेकिन एक सक्सेस स्टोरी लिविंग लेजेंड हमारे साथ में है, बचेंद्री पाल जी, पद्मश्री, पद्म भूषण। मैम आपसे ही पूछना चाहेंगे, सक्सेस अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग बीएड एमएड के बाद में कहाँ से कहाँ? मेरा पहला एवरेस्ट था हायर एजुकेशन, और वो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मैंने एमए बीएड किया। तभी मेरा एक रिनाउंड माउंटेनियर जो हमारे गांव में आया, उन्होंने मोटिवेट किया कि पढ़े लिखे लोगों का स्पोर्ट है माउंटेनियरिंग, रिस्क क्यों लेते हैं लोग, हर कोई रिस्क नहीं ले सकता है। बस उन्होंने मोटिवेट किया एंड देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक। मैंने माउंटेनियरिंग किया और मुझे नहीं पता था ये रास्ता कहाँ एवरेस्ट जा रहे हैं या कहीं पर भी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बचेंद्री पाल मैम। देश की महिला खिलाड़ियों ने हर चुनौती को स्वीकार कर उन पर फतेह हासिल की है, और महिलाओं की इस ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में हुए ओलंपिक्स में भारत के लिए जीते हुए दोनों मेडल्स महिलाओं ने ही जीते, और इसी संदेश को एक अलग अंदाज में बयां कर रही है हमारी आज की डांस परफॉर्मेंस। चलिए शाम को आगे बढ़ाते हैं। एक दौर था, आपको भी याद होगा, जब भारतीय वेट लिफ्टर्स ने दुनिया में धाक जमाई हुई थी, कर्णम मलेश्वरी के नाम से सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर वो दबदबा जो है वो टूटता हुआ नजर आया। लेकिन वेट लिफ्टिंग को अगर खोई हुई साख वापस दिलाने में किसी का श्रेय जाता है, योगदान जाता है, तो वो मीराबाई चानू का है। सबसे पहले जी न्यूज़ को थैंक यू सो मच कि ये फेयर प्ले एक्चुअली मुझे मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं अवार्ड के दिन में मैं नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिशन अभी नज़दीक हो रही है, तो इसलिए मैं अवार्ड में नहीं आएगी। जहां पहले रेसलिंग में सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त के कारनामों की चर्चा होती थी, वहीं आज हमारी अगली फेयर प्ले अचीवर भी इस मुकाम को हासिल करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। तो विनेश फोगाट भी आज या नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने संदेश हमारे लिए जरूर भेजा है, आइए वही देखते हैं। मेरा प्रणाम सभी को, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मुझे जी फेयर प्ले अवार्ड्स अचीवर्स अवार्ड मिल रहा है 2019 का, और मेरा कंपटीशन है और ट्रेनिंग में थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। भारतीय शूटर्स ने हर बड़े टूर्नामेंट में देश के लिए मेडल जीता है। भारत की शार्प शूटर राही सरनोबत ने एशियाई खेलों में जब गोल्ड मेडल जीता तो पूरी दुनिया ने इनके मजबूत इरादों को देखा, और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि वी आर डेफिनेटली नॉट लेसर देन एनीबॉडी एल्स। सो थैंक यू ज़ी मीडिया फॉर चूजिंग मी फॉर दिस अवार्ड, एंड आई थिंक नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस
towards our performances and I think for the Olympic qualification competitions. कुछ बरसों से पहले मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सिर्फ लड़कों की तरफ देखा जाता था, लेकिन मैं इन लड़कियों को सत सत नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने ये जो एक सोच थी हिंदुस्तान की उसको चेंज किया. हमारी अगली फेयर प्ले अचीवर वर्ल्ड नंबर वन रह चुकी हैं. हीना सिद्धू के शानदार प्रदर्शन की वजह से उनके नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं. 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन शूटर बनी. साल 2014 में ही अर्जुन अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया. और इस मौके पर हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं उनके हस्बैंड रौनक पंडित. तो रौनक, कौन सा रोल ज़्यादा टफ है, हस्बैंड का या फिर कोच का? आई थिंक टफ तो नहीं है, इट्स वेरी इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स चैलेंजिंग, इट्स समथिंग विच कीप्स आई थिंक बोथ ऑफ अस ऑन आवर टोज. आई डोंट थिंक हीना लेट्स मी रेस्ट, आई डोंट लेट हर रेस्ट. वी बोथ पुश ईच अदर टू गेट बेटर एवरी डे एंड आई थिंक दैट्स वॉट इज ब्यूटिफुल अबाउट इट. जो मीडिया में है हम हमेशा सोचते हैं कि जब खिलाड़ी ओलंपिक जाता है या जब खिलाड़ी किसी बड़े कॉम्पिटिशन में जाता है तो लोग कहते हैं कि जीत के आओ, मेडल जीत के आओ. बट मानव ने एक बार मुझे कहा कि हम ज़्यादा हारते हैं या कि जीतते हैं. जीत के बाद एक अलग खुशी होती है, बट आप जैसे खिलाड़ी जो एक प्रिसिशन वाला गेम आप लोग खेलते हैं उसमें आप डील कैसे करते हैं जब उस दिन आपकी वो बंदूक, जैसे आप शूटिंग में बोलते हैं बंदूक नहीं चली. दिस इज़ वेयर माई डायरी कम्स इन द पिक्चर. सो आफ्टर अ बैड मैच और अ गुड मैच, सो यू गो बैक टू योर डायरी, यू राइट what went right, what went wrong, and you make a plan. And once I make a plan that okay, ye cheeze nahi chali, and now I have a plan for this, I feel empowered. I feel okay, there are ways to sort this out, and I'm going to do it. There is no other way about it. Commonwealth Games champion aur Bharat ki star shuttler jinhone apne shandar pradarshan se lagatar Bharat ka maan badhaya hai. हर बार अश्विनी पोनप्पा की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भारत के प्राउड मोमेंट्स में शामिल हो गई. इस बार गोल्ड कोस्ट में भी आपका अनोखा अंदाज सबके दिलों को छू गया. तो अश्विनी तो आज शाम का हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने हमारे लिए संदेश जरूर भेजा है. मैसेज सुनते हैं. फर्स्टली आई एम रियली थैंकफुल टू जी न्यूज फॉर रिकग्नाइजिंग माई एफर्ट्स एंड अवॉर्डिंग मी द फेयर प्ले अवार्ड. इट मीन्स अ लॉट बिकॉज एनी रिकग्निशन इज जस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू डू इवन बेटर. I'm looking forward to working hard and having a great 2019 and doing even better than what we've done. And yes, I'm really grateful to Zee News for the recognition because that's what pushes us to do even better. महज छठी क्लास में पढ़ाई करने के दौरान लंदन में हुए अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा लेना और सिर्फ 11 साल की उम्र में नेशनल जूनियर चैंपियन बन जाना. स्टार स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल अपने स्क्वॉश इवेंट्स में कई बार भारत का गौरव बढ़ा चुकी हैं. और दीपिका तो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएं, लेकिन उनके पिता संजीव आज यहाँ पर उपस्थित हैं. दीपिका ने हमारे लिए संदेश भेजा है. गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम सॉरी आई कुडंट बी देयर टुनाइट, बट थैंक यू टू द ज़ी ग्रुप फॉर ऑनरिंग मी विद दिस अवार्ड. 2018 has been very, very special for Indian sport as well as Indian squash. For the medals we got, it's been very, very special for us to have come back with a lot more medals than we expected. So thank you once again for this award. I'm sorry again for not being able to attend tonight, but my dad will be there to receive my award. I actually am the father of 3 girls. So each of them has achieved success in their own field. किसी भी बड़े सपने को साकार करने के लिए जरूरत होती है मजबूत कंधों की, और ऐसे ही मजबूत कंधों पर देश को नाज है. और भारतीय रिले टीम, हम आपको बता दें, इस वक्त टर्की में ट्रेनिंग कर रही है. इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए मैं गुजारिश करूंगी श्री सनी जोशवा जी से, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं. और टीम ने हमारे लिए मैसेज जरूर भेजा है, भले ये टीम यहाँ पर नहीं आ पाई. On behalf of Parliamentary Women Relative, we would like to thank Zee News for this award. Fair play is a great concept and we are extremely delightful for sharing this honor with other leading female athletes in India. Since 2002, we are winning the Asian Games medal and we are happy that we are part of it and we have kept the tradition intact.
I'm very happy because it's my first international competition and we have got gold medal in that competition. And I'm very thankful for our coach Galina, Athletic Federation of India, and also my parents, coaches, friends, all supported us. सरी जी थोड़ा उत्साहवर्धन की जरूरत है आप भी चंद शब्द जरूर कहें आज की रात वी आर लुकिंग एट 2020 आई थिंक डेफिनेटली वी विल विन मेडल एंड वी आर वर्किंग ऑन इट थैंक यू वेरी मच जीनियस स्पोर्ट्स सिर्फ हार या जीत नहीं है इसमें जरूरी है जोश का होना इसमें सीमाओं से बाहर निकलकर जान जोखिम में डालकर आप ऊंचाइयों को छूते हैं तब कहीं जाकर आप जीत पाते हैं और कुछ ऐसी ही जीत की साक्षी रही हैं हमारी फेयर प्ले की पहली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रीचिंग द एवरेस्ट वॉज द पीक एंड दैट इज वॉट दिस ग्रेट लेडी हैज अचीव्ड फॉर द कंट्री बच्चन जी वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू जब मैं टॉप में पहुंची तो हम लोग करीब 40 मिनट्स रहे क्योंकि वेदर कंडीशन वाज कंपैरेटिवली बेटर दैट डे सो मैं एक दुर्गा की मूर्ति साथ में लेके गई थी आई प्लेस द दुर्गा मूर्ति ऑन टॉप ऑफ एवरेस्ट वन हनुमान चालीसा वाज आल्सो आई वाज कैरिंग विद मी तो बस फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आए तो लोगों ने रियलाइज कराया कि हमने कुछ अच्छा काम किया है या बड़ा काम किया है और ये जो रिकॉग्निशन दिया जी न्यूज़ ने दिस फर्दर स्ट्रेंथन माई बिलीफ कि ऑल ऑफ अस कैन बिल्ड अ बेटर टुमारो उम्र के इस पड़ाव पर जो लगभग सभी बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो ऐसे बच्चे कम ही होते हैं जो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की तरह नन्ही सी उम्र में देश का प्रतिनिधित्व कर जाते हैं उम्र भले ही छोटी है लेकिन विश्व शूटिंग में तहलका मचा दिया है मनु भाकर ने I have never achieved so much so far. So this 2018 went a golden year for me and for shooting. Hamari agli fair play achiever ek aisi khiladi hain jinhe khel ke maidan mein utarne ke liye hi sangharsh karna pada. Lekin kareeb 32 saal ke baad Jakarta Asian Games mein Bharat ko ek nayi sprint queen mili. Duti Chand, zordar taaliyan honi chahiye. बेसिकल 2014 में मुझे हाई प्रंजम गर्ल लगा के कोमल देखिए एशियन गेम्स दोनों से निकल दिया था टीम से मुझे फिर भी पता नहीं था कि मैं फोर्थ दुनिया को फिर वापस आ पाऊँ या नहीं फिर भी भगवान से दुआ से मैंने केस अपील किया फिर केस लड़ के फिर स्पोर्ट्स कैरियर को वापस आके फिर कंटिन्यू ट्रेनिंग करके फिर देश के लिए नाम रोशन किया As you said, because in Sanskrit, duty, the meaning of duty is showing the light to the people, those who are in the dark. I hope she has done justice to her meaning of her name. Shooting ek aisa khel hai jisme perfect 10 bhi goal ki guarantee nahi deta. Ye khel hai perfection ka. Tejaswini Sawant se bhi anurodh unse darkhwast ki wo bhi kripya manch par aaye is samman ko swikar karne ke liye. इतना ज़रूर कहूँगी कि ये 18 साल में अप डाउन्स बहुत देखे हैं लेकिन मेरी कोच और मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से मैं वापस ऊपर आ पाई और फिर से अपना तिरंगा लहरा पाई इसकी खुशी है थैंक यू सो मच और अब बारी है फेयर प्ले की दूसरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्डी को सम्मानित करने की इन्होंने भारतीय शूटिंग को एक अलग पहचान दी है और आज ये देश के युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करती हुई नजर आती शूटिंग ग्रेट सुमा थिरूर को सम्मानित करने के लिए आज हमारे साथ इंडियन शूटिंग के ओरिजिनल हीरो यहां पर मौजूद हैं राजा रणधीर सिंह आ चुके हैं मंच पर मैं सुमा से भी आग्रह करूंगी कि वो भी कृपया मंच पर आकर इस सम्मान को स्वीकार करें माई रियल करियर बिगैन आफ्टर आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड And that's the biggest challenge, I think, for a woman, especially when you start late. Or jab maine shuruaat ki thi tab state championship mein total number of participants 6 ya 7 mahilaen hoti thi. Aaj uske samne aur 2-0 badha sakte hain hum log. Aur mujhe itni khushi ho rahi hai ki aaj ek complete award function is dedicated to women athletes. You know, we have come this far. Shooting has done extremely well. And Soma will mention in different times and earlier times. So now there's been a tremendous change, and the facilities available. That's why you find so many shooters who are coming now and are winning medals. And I think that today even the
out of the achievers here today, I think we had more than 50% have been shooters. So that shows how the graph is going up in sport and especially in the world of shooting. तो वो अब गिरती भी है तो अब गिरकर उठना जानती है वो जीत को दोहराना जानती है उसमें ऊर्जा है उसमें शक्ति है वो पौध है हरियाली की वो दुनिया में अपनी जीत से देश का परचम लहरा रही है आज पूरे विश्व में देश की महिला खिलाड़ियों ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है खेल जगत की इन अचीवर्स के जज्बे को जी न्यूज सलाम करता है और आज के इस आयोजन को सफल बनाने में किंगफिशर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इंदिरा आईवीएफ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर और डीएनए का अहम योगदान रहा है हम सभी के शुक्रगुजार हैं और आप सबका हमारे साथ इस फेयर प्ले का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया